अच्छा बच्चों की क्या क्या खिदमत है ये? मतलब अगर मैं कहूँ कि बर्पिंग तो कराइए, लेकिन कोई और खिदमत की? कभी सुनीता बीमार है या शूट पर है तो कभी नहलाना पड़ा या कुछ ऐसा चीज? मैंने बहुत आई थिंक बहुत खिदमत की है। क्योंकि मेरे जो फैशन शोज होते थे तो मुझे 5 दिन के लिए लाहौर जाना पड़ता था, तो उस वक्त हसन का हम लोग पहले से ही अपने डेट डिसाइड कर लेते थे कि भाई इस टाइम पे शो आ रहा है, तो ताकि हसन घर पे हो या अगर हसन ट्रैवल कर रहा है तो मैं लाजमी घर पे हूँ। और जब इनका द वर्स्ट इज जब इनका स्कूल, अभी आजकल तो छुट्टियां हैं और वैसे भी ऑनलाइन था, लेकिन उसमें इनका आता था होमवर्क, तो सुबह मैं उठता था इन्हीं के साथ, इनकी क्लास खत्म होती थी हम बाहर आते थे लाउंज में, और लाउंज में होमवर्क करा करू के मैं 1-1.30 बजे फारिग हो रहा होता था, और मैं कहता था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सारे हो गए खाना वाना खा के उसके बाद exactly, मैंने बोला सुनीता को 2-3 दफा, मैंने सुनीता को मैंने कहा यार सलाम है तुम लोग, कदर हो गई मुझे। क्योंकि अक्सर हस्बैंड्स कहते हैं क्या करती हो तुम, करती क्या हो, अक्सर हस्बैंड्स का ये होता है बेगमात को, लेकिन ये है कि जब खुद आप उनके शूज में जाके देखेंगे तो लग पता जाए। बट देन मैंने काफी किया है, मैंने इनफैक्ट इवन ये किया है, सुनीता और मेरी दोनों की शूट है और राकिन बीमार है, तो आई हैव टोल्ड हर कि तुम जाओ शूट पे, मैंने अपनी शूट कैंसिल कराई है और मैं लेके गया हूँ इन लोगों को, तो आई हैव डन माय पैम्पर वगैरह भी चेंज किए हैं असल में। और वैसे एक वाकई बड़ा एक हमारा बड़ा टफ काम है कि अक्सर दूसरी जॉब्स पे हैं आप, शायद छुट्टी कर लें बच्चों की वजह से, लेकिन हम लोगों के साथ बहुत सारी चीजें अटैच होती है, पैसा अटैच होता है किसी और का, प्रोड्यूसर का, तो हमें फिर थोड़ा सा ना ये वाली चीज़। अरे आप ये सोचें, इसके टाइम पे मैं लेबर रूम में थी और हसन को 2 सीन्स करवाने जाना था, और वो जिस मूड में था बस हसन गया है, पहला बच्चा। मैं आया हूँ हॉस्पिटल में तो वो जो डॉक्टर वाज बिकॉज हम लोग वो जानती थी हमें, तो वो बड़ा पर्सनल हमारे साथ थी, तो जब मैं हॉस्पिटल में घुसा तो पीए अनाउंसमेंट मेरे नाम पे हो जा रही है, हसन वेयर आर यू, एक बड़े गुस्से वाली आवाज में, मैंने कहा क्या हो रहा है, सो आई इमीडिएटली वेंट इनटू द रूम, कहती हूँ व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाई यू लेट, मैंने कहा सॉरी वो 2 सीन कराने थे मुझे, व्हाट इज दिस। तो खैर हाँ, हम लोग आई थिंक जो शुरू शुरू के बच्चे होते हैं, और जिस तरह आपने कहा ना कि फरीद जब था छोटा था या सिर्फ काम पे थे, आपके पास हेल्प नहीं थी, इसी तरह हमारे साथ भी था कि यू नो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग नहीं थे, अब तो हमारे पास माशाल्लाह से आपके पास भी हमारे पास भी सो मेनी पीपल जो कि हमें हेल्प आउट कर भाई देते जब हमारे ये बच्चे होते हैं पहले पहले तो उस वक्त हम स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं, उस वक्त इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि हम हेल्प रखे बचा रहे होते हैं, अच्छा जी आगे ये फ्यूचर ये वो, तो वही वाली बात है। लेकिन जब बलाज हुआ तो बहुत ही मतलब उसके बहन भाई भी बड़े थे, तो बड़ा मजे वाला सीन था वो। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.